करीब 10 दिन से पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं बीटीसी सदस्य मनोहर लाल शर्मा करीब दर्जन भर पंचायत समिति सदस्यों के साथ खंड विकास कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कर्मचारियों की मांग को सुना और उसे सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन भी दिया। भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि मंगलवार को ही हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर हड़ताली कर्मचारियों के प्रदेश नेतृत्व को साथ लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ वार्ता से पूर्व इन कर्मचारियों को अपनी हड़ताल खत्म करनी होगी ताकि बातचीत में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय न रहे। उन्होंने कहा कि हड़ताल खत्म न करने की सूरत में वार्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जिसके चलते कर्मचारियों की अगुवाई करने वाले मंत्री भी नाराज हो सकते हैं। इसलिए सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जाने से पूर्व जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करनी होगी। वो हमारे बीच में हमारी मांग का समर्थन करने आए हैं। हमारी मांगों को जायज ठहराते हुए उन्होंने एक अच्छा समर्थन भी किया है। और हमारा जो जिला परिषद कैडर है, इसमें पंचायत सेक्रेटरी है, जिला टेक्निकल असिस्टेंट है, JE है और SDO है, XTN है, मतलब 5 तरह की कैटेगरी जो है उनको मिला के जिला परिषद कैडर के एम्प्लॉई है। लंबे समय से हम जो है सरकार में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम एक संस्था के कर्मचारी माना जा रहा है, ना कि बल्कि अपने कर्मचारी, जबकि हम जो काम जो है वो 29 विभागों का कर रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा अलग अलग विभाग चलाए जा रहे हैं। इतने विभागों का काम करने के बावजूद भी हमें सरकारी कर्मचारी नहीं मानना, ये हमारे वर्ग के लिए एक सबसे बड़ा धब्बा है, हमारे वर्ग के लिए सबसे बड़ी शर्मसार वाकया है। तो हम सब बंधुओं का, हम जिला परिषद कैडर का एक ही निवेदन है कि हमें सरकार अपना कर्मचारी माने, हमें डिपार्टमेंट दे। डिपार्टमेंट देने से हमें हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। जो हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र सज्जन बंधु हैं, वो हमारे साथी जो दूसरे डिपार्टमेंटों में है, वो हमें आए दिन मजाक कर रहे हैं, ये कौन सी संस्था में फंस गए आप, इतने साल बीत जाने के बाद भी आपको अपने हक संघर्ष करके लेने पड़ते हैं। अगर हमें सरकार आज डिपार्टमेंट देती है तो वो हमें नेचुरली बाई रूट मिलने शुरू हो जाएंगे। बात की जाए सरकार अभी भी का रुख जो है वो आपके हक में नहीं लग रहा है, अगर का कहना है कि पहले अपनी हड़ताल करो, खत्म करो, फिर हमारे पास। देखिए जी, राज्य कार्यकारिणी द्वारा हमारा जो है ना बारंबार सरकार से हम मेल मिलाप किया गया है। सरकार को अनेकों बार हमने अल्टीमेटम दिए है कि हमारी मांग को मांगना जाए। जब मांग नहीं मानी गई तब सर लास्ट अल्टीमेटम यही था कि हम कलम छोड़ो आंदोलन पे जाएंगे। अब जो है सरकार द्वारा जब बात ना मानी तब हम विवश होके, हड़ताल हमारी मजबूरी है, हड़ताल हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है कि हम अपने हक के लिए हड़ताल कर रहे हैं। सरकार द्वारा बात ना मानने पर हमने कलम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी है। अब जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी, तब तक हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। आज BTC मेंबर जो हैं वो इकट्ठे होकर जहां पर आए हैं, मैं भी वार्ड नंबर 9 से BTC मेंबर हूं, तो इनकी जो बात है वो पिछले 2-3 दिन से फ़ोन के ऊपर मेरे साथ हो रही थी। इनकी बात मैंने माननीय मंत्री वीरेंद्र कंवर जी के पास परसों रखी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी से बात करके उन्होंने इनको टाइम दे दिया है कि 5 तारीख को इनके जो पदाधिकारी हैं वो मंत्री जी को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो भी इनकी समस्या है उनके समक्ष रखेंगे, उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो माननीय होगा। तो क्या आपको उम्मीद है कि इस बार इनकी जो मांग है वो पूरी होगी? हाँ, मांग तो उम्मीद है, लेकिन मंत्री जी ने विशेष तौर के ऊपर कहा है कि यदि इन्होंने वहाँ पर आना तो हड़ताल को ख़त्म करके आएं। तो इनका कहना है कि हड़ताल तो चालू रहेगी, हड़ताल के बीच में हम मिलना चाहते हैं, तो मंत्री जी ने कहा कि हड़ताल को बंद करके आएं, तब इनकी बात के ऊपर अमल होगा। तो जैसा तो, ये कह रहे हैं कि हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसे ही जाएंगे, तो क्या आप मानते हैं? तो आगे अभी जाने के बाद हो सकता है भी मंत्री जी इस बात के ऊपर सहमत ना हो कि मेरी बात को नहीं माना है, तो इनको बोला है कि 5 तारीख को आप हड़ताल बंद कर दो और आप मिलो, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो जो आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन 5 तारीख को आपको ये हड़ताल जो है वो बंद करनी होगी। तो क्या आप मानते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है? मांगे तो
जो भी कोई मांग रखता है, मांगे तो सब जायज़ ही होती हैं। तो पिछले कई सालों से ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि हमारी यदि पेमेंट है उसको भी ना बढ़ाया जाए, लेकिन हमें डिपार्टमेंट में लिया जाए। तो ये पंचायती राज विभाग जो है उसके अंडर होंगे, तो ये इनकी एक मांग है। सर, मेरा एक ही निवेदन है कि विभाग में विलय हो हमारा, एक सूत्रीय मांग है हमारी। और शिमला में मैं 2-3 महीने पहले मंत्री जी से मिली थी, उन्होंने बोला आप मेरी स्कीम देखो जाके, 1 साल 5 काम हम आपका सोच रहे हैं। और हम तो लगे रहे ग्राउंड में, साथ साथ बजे भी घर से घर जाते थे, पर हमें उसके उसमें कुछ नहीं मिला, मतलब कि एक सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। और आज हम बड़े दुखी हैं। तो अब भी सरकार का क्या रुख? अभी 5 को पता चलेगा सर, 5 जुलाई को। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर हड़ताल खत्म करेंगे तो ही 5 तारीख को जो है बोला। फिर सर हमारी चेन ही टूट जाएगी, फिर अल्टीमेटम देना पड़ेगा, अल्टीमेटम दोबारा से देना पड़ेगा।